दोस्तों बात कर लेते हैं OTS के हवाले से। दोस्तों मुझे इतने ब्रदर और सिस्टर के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हम जब भी किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा रिकवर नॉट फाउंड आ रहा है। दोस्तों इंशाल्लाह इसके बारे में आज हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि ये मसला क्यों आता है और इसका हल क्या है। दोस्तों अगर सिंपली में बताऊँ तो दोस्तों जिस तरह आज का दौर है और जो बेरोज़गार लोग हैं हमारे भाई अप्लाई करते हैं, तो मैं भी इस राह से गुजरा हुआ हूँ और मुझे हर एक चीज़ का अंदाज़ा है कि आज के दौर में हमारे जो बेरोज़गार भाई हैं वो बेचारे किस तरह इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। उनके पास यार अप्लाई करने के पैसे नहीं होते, और जिस बंदे के पास अप्लाई करने के पैसे ना हो और उसका फॉर्म रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ जाए या किसी भी हवाले से रिजेक्ट हो जाए तो उसको कितना दुख होता है, ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि हर कोई भी बेचारा हमारा भाई है वो कितनी तकलीफ़ से फॉर्म डाउनलोड करता है। कभी उसको बैंक वालों के ताने सुनने पड़ते हैं, कभी उसको फोटो स्टेट वाले के ताने सुनने पड़ते हैं, कभी घर वाले के ताने सुनने पड़ते हैं। यार बेचारा कितने ताने सुनने के बाद वो अप्लाई करता है और उसके बाद भी उसके साथ ये मसला हो जाए तो कोई मसला नहीं भाई, आपने हिम्मत रखनी। इंशाल्लाह अगर आज आपने वीडियो कंप्लीट देख ली ना तो इंशाल्लाह आपकी इस मसले से पूरी उम्र मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपकी जान छूट जाएगी। दोस्तों ये वीडियो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ और ये वीडियो मैंने कोई आगे पीछे से देख के या गूगल से सर्च करके नहीं बनाई, ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों ये इंशाल्लाह ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं रिकॉर्ड नॉट फाउंड की। दोस्तों रिकॉर्ड नॉट फाउंड का मतलब है कि आपका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। इसका सिंपल वे में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो सिंपल सी बात यह है कि आपने किसी एक प्रोजेक्ट में अप्लाई किया OTS के थ्रू, या तो आपने उसको बाई पोस्ट सेंड किया है, या तो बाई TCS सेंड किया है, या तो अपने बाई कोरियर की कोई भी सर्विस से आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म OTS वालों को भिजवा दिया है इस्लामाबाद। दोस्तों अभी इसका मतलब ये होता है कि आपने तो भिजवा दिया पर वो उनको रिसीव हुआ या नहीं हुआ, इसकी आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती। अगर आपके पास TCS वाले हैं तो जाहिर है बात है आपके पास रसीद है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, और अगर आप किसी कोरियर सर्विस से भिजवा रहे हैं जो प्राइवेट सर्विसेज हैं तो उसके पास भी आपके पास रसीद है। हमारे वो भाई जो भाई पोस्ट भेजते हैं उनके पास जब वो टिकली वगैरह लगाते हैं जो 20 रुपये में भेजते हैं 30 रुपये में, तो उनके पास कोई सबूत नहीं होता, वो कोई क्लेम नहीं कर सकते। इसका मसला ये होता है कि आपने जब भी अगर आप जो भाई हमारे पोस्ट के ज़रिए अप्लाई करते हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग जब भी बाई पोस्ट के थ्रू अप्लाई करें तो लाजमन उसकी रजिस्ट्री करवाया करो। आप 30 रुपये भरते हो ना भाई, 20 रुपये थोड़े से और भर लो ताकि आपका फॉर्म प्रॉपर तरीके से OTS वालों को रिसीव हो जाए। देखो दोस्तों आप जब एक फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हो यार, 30 से 40 रुपये का फॉर्म डाउनलोड करवा रहे हो, फिर उसके बाद उस फॉर्म को फिल कर रहे हो, उसके बाद चालान वगैरह पिला के वो आप 200-250 रुपये खर्च करके, उससे बेहतर है आप 20-30 रुपये और खर्च करके उसकी रजिस्ट्री करवा लो। तो दोस्तों ये तो मसला हो गया हल आपका जो पोस्ट वालों का। पोस्ट वालों में आपने याद रखना है कि जो भाई हमारे पोस्ट के ज़रिए अप्लाई कर रहे हैं उनसे मेरी दोबारा रिक्वेस्ट है कि वो रजिस्ट्री करवाएं भाई, अथॉरिटी करवा के भेजें। और जो TCS वाले हैं जब भी वो अप्लाई करें तो जब वो OTS के प्रोजेक्ट में अप्लाई करते हैं तो उसकी जो स्लिप होती है वो अपने पास रखें, और जो हमारे भाई कोरियर सर्विस प्राइवेट सर्विस के थ्रू अप्लाई करते हैं जो उनको भी चिट मिलती है, जो उनको स्लिप मिलती है कि आपका फॉर्म हमने भेज दिया, वो अपने पास रखें। दोस्तों इंशाल्लाह अगर आपका ये मसला आ जाए तो सिंपल आपने करना क्या है, जो OTS वालों की वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहाँ पे उनका फैक्स नंबर होता है, ठीक है, आपने एक सिंपल सी एप्लीकेशन लिखनी है, उसके बाद आपका जो वो डिपॉजिट स्लिप है आपने वो उसके साथ लगा के अपना नाम वगैरह उसमें लिखा होगा वो आपने सिंपली फैक्स कर देनी है कि सर हमने अप्लाई किया था और ये हमारे पास प्रूफ है, तो लिहाजा हमारा नाम आप इंटर करें। तो अगर वो आप स्लिप भेजेंगे तो वो तहकीकात करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि हाँ भाई इस बंदे ने अप्लाई किया था, इसका फॉर्म है, इसके पास ये रिकॉर्ड है, या तो आप उनके ज़रिए कॉल के ज़रिए रब्ता करके उनको बताओ, ठीक है। दोस्तों इसका प्रॉपर हल ये है। अब दूसरा हल ये है कि ये इश्यूज़ क्यों होते हैं। तो देखो दोस्तों हमारे अक्सर भाई क्या करते हैं कि वो अप्लाई करेंगे, जिस तरह आज 18/10/2018 को OTS के अंदर कोई प्रोजेक्ट आया है तो वो अप्लाई करते हैं 27 तारीख को, 28 तारीख को, ये पूछेंगे भाई आखिरी तारीख कब है। भाई अगर आपने अप्लाई करना है तो आप फर्स्ट टाइम करो ना, वो आपने सुना है फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, आपने करना ये है कि आपने जिस तरह अगर आज 18/10/2018 को नया प्रोजेक्ट आया है आप सुबह अप्लाई कर दो, आप कल अप्लाई कर दो, आखिरी तारीख को आप छोड़ दो ना। आपने अप्लाई कर दिया सुबह या कल तो इंशाल्लाह वो, अभी आप अंदाज़ा लगाओ, मैं आपको सिंपल वे में एक आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, अभी आप सिंध से हो, पंजाब से हो, बलूचिस्तान से हो या KPK से हो। अभी एक फॉर्म हमारा निकलता है बलूचिस्तान से, ठीक है, एक भाई ने LDC या UDC पोस्ट के लिए अप्लाई किया, अब आप अंदाज़ा लगाओ वो भाई ने फॉर्म डाउनलोड किया
उसको फिल वगैरह किया, 3 से 4 दिन के बाद उसने वो सारा प्रोसेस किया, आज नहीं करूँगा कल अप्लाई करूँगा, उसके बाद उसने वो फॉर्म फिल करके भाई टेस्ट पोस्ट के ज़रिए भेज दिया। अभी आप अंदाज़ा लगाओ कि एक फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म अगर बलूचिस्तान से निकल रहा है तो वो इस्लामाबाद तक पहुंचने में कितना टाइम लगाएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अगर ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन लगते हैं तो आप अंदाज़ा लगाओ कि अगर आपका फॉर्म 5 दिन लेट मिल रहा है ओटीएस वालों, या तो वो इग्नोर कर देंगे या तो वो छोड़ देंगे, वो देखेंगे नहीं कि ये फॉर्म कब रिसीव हुआ है। दोस्तों इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा और इंशाल्लाह ये वीडियो आपकी लाइफ में आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। दोस्तों ये वीडियो एक भाई के मुझे मैसेजेस आ रहे थे सिस्टर के, और काफ़ी दोस्तों ने मैसेज किया था कि सर आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, तो ये मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया। दोस्तों इंशाल्लाह अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाऊं और इस वीडियो ने आपकी कुछ मदद की हो, तो इससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है कि मैंने थोड़ी सी आपकी हेल्प की है। इंशाल्लाह दोस्तों मैं उम्मीद ये करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो आपके किसी टॉपिक पर बनाऊँ जिसके इशूज़ फेस कर रहे हैं कि ये मसला है वो मसला है एनटीएस के हवाले से, इंशाल्लाह उनकी वीडियो में आपको बनाता रहूँगा और इंशाल्लाह इसी तरीके से समझाता रहूँगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।